सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आप भी चाहते हो 10 से 15,000 की प्राइस रेंज में एक अच्छी सी माउंटेन बाइक या गियर वाली साइकिल खरीदना, तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए बनाया। यार, मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी व्यूअर या सब्सक्राइबर के पैसे गलत जगह इन्वेस्ट हो जाएं, फिर वो बाद में रोता रहे कि यार मैंने तो गलत साइकिल खरीद ली, ये बार बार खराब हो जाती है। और अक्सर लोग बोलते ही रहते हैं, ये मिथ फैला रहता है कि यार गियर वाली साइकिल बेकार होती है, जल्दी खराब हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। तो यार, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या 10 से 15,000 की प्राइस रेंज में एक अच्छी साइकिल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है? तो हाँ, एज अ बिगिनर लेवल एक अच्छी साइकिल 10 से 15,000 के बीच में, अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से खरीद सकते हो उस साइकिल को। और मैं आज आपकी हेल्प करूंगा उन्हीं साइकिल्स को सेलेक्ट करने में। तो यार, वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टार्ट। तो यार, मैंने कर ली है पूरी एक साइकिल्स की लिस्ट रेडी। चाहे आप किसी भी हाइट के बंदे हो, या इनफैक्ट आप बॉय हो या गर्ल हो, जो भी हो, तो आपकी हाइट कुछ भी हो मैटर नहीं करता, 6 फीट से अपर तो भी मैंने आपके लिए साइकिल शॉर्ट करके रखी हुई है। और अगर आपकी हाइट बिलो देन 5 फीट है या 5 से 6 फीट के अंदर है, तो भी आपके लिए एक परफेक्ट साइकिल मैंने चूज़ करके रखी हुई है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको कि यार, ये सारी साइकिल्स ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत तगड़े तगड़े मॉडल्स सेलेक्ट कर दिए, ऐसे सेलेक्ट कर दिए मॉडल्स जो आपको मिल ही नहीं रहे ऑनलाइन, ई कॉमर्स साइट पर मिल ही नहीं रहे हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन। तो यार, मैं ऐसी साइकिल्स के मॉडल्स लाया हूँ जो आपको ईजिली मिल भी जाए, ईजिली फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह, या फिर चूज़ माई बाइसाइकिल एक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ साइकिल्स ही बेचता है, तो आसानी से आपको ये साइकिल्स मिल जाएंगी इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो लिस्ट को करते हैं स्टार्ट। तो यार, लिस्ट में नंबर वन का मतलब ये नहीं है कि जो साइकिल नंबर वन पे मैंने रखी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जो मैंने लास्ट में रखी है वो बेकार साइकिल होगी, ऐसा नहीं है। सारी ही साइकिल्स अपने आप में एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप की साइकिल चाहिए। तो लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, या मैं कौन सी साइकिल रिकमेंड करूंगा आप सभी को, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो लिस्ट में नंबर वन पे मैंने साइकिल को जिसको रखा हुआ है, उसका नाम है हीरो स्प्रिंट प्रो सिरालो 2060, जो कि आती है 26 इंचेस के व्हील साइज के साथ, यानी कि 26 इंच व्हील साइज, यानी कि अगर आपकी हाइट 4'6" से लेकर 5'5" तक है तो ये साइकिल आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। तो यार, ये साइकिल का जो फ्रेम बना हुआ है वो बना हुआ है हाइट एंड स्टील से। ये साइकिल आती है डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के साथ, डुअल वॉल अलॉय रिम्स, 3x7 का शिमानो टर्नी का सेटअप, इजी फायर शिफ्टर्स, और फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि शायद हीरो ने ही मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और इस साइकिल का जो प्राइस रहने वाला है वो अप्रॉक्स 14 से 14.5 के आसपास इसका प्राइस रहता है, तो 14,000 के बीच में इस साइकिल को आप अपना बना सकते हो। तो सेकंड नंबर पे जो साइकिल मेरी लिस्ट में है वो है मोन्ट्रा की मेडरॉक। मोन्ट्रा यार एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, वो काफ़ी अच्छी अच्छी MTBs को मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं एक बहुत ज़्यादा प्रो साइकिलिस्ट हूँ, बट आप किसी प्रो से भी पूछोगे तो वो अच्छा ही बताएगा इस साइकिल को। तो ये साइकिल बेसिकली आती है अलॉय के फ्रेम के साथ, और 15,000 के बीच में अगर आपको एक अलॉय का फ्रेम मिल रहा है तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको लगभग हाइट एंड स्टील ही फ्रेम मिलेगा। अलॉय फ्रेम काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और इनकी एफिशिएंसी एज पर रोड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, या आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो अलॉय की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो ये शायद मैंने बेसिक आपको बात बतानी थी तो बता दी। तो बेसिकली और इसकी साइकिल की आगे की बातें मैं बताता हूँ आपको। आपको मिल जाएगा इसमें फ्रंट में जूम का सस्पेंशन, डुअल वॉल अलॉय रिम्स, 7x3 का शिमानो का टर्नी का सेटअप, इजी फायर शिफ्टर्स, और क्या चाहिए यार 15,000 के प्राइस सेगमेंट में। तो इस साइकिल को भी आप अपना बना सकते हो जस्ट 15 से 16,000 रुपये में। तो यार, नंबर थर्ड पे जो मैंने लिस्ट में साइकिल रखी है वो है क्रॉस की एक्सीड 27.5 इंचेस के व्हील साइज़ के साथ जो आती है, यानी ये व्हील साइज़ ऐसा होगा लगभग अगर आपकी एज करीब 5'3" से लेकर 5'8" 5'10" तक जा रही है तो ये साइज़ आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो ये साइकिल आती है बेसिकली हाइट एंड स्टील के फ्रेम के साथ, 7x3 का शिमानो का टर्नी का सेटअप देखने मिल जाएगा, विथ इजी फायर शिफ्टर, डुअल वॉल अलॉय रिम्स, डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, और मेन हाईलाइट इस साइकिल का है वो है यार, इसमें आपको लॉकआउट सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। लॉकआउट सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप रोड्स पे राइड कर रहे हो साइकिल को तो आप सस्पेंशन को लॉक करके रख सकते हो, तो उससे सस्पेंशन स्टिफ हो जाएगा और आपकी एनर्जी बचती रहेगी। और जब आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हो तो सस्पेंशन का लॉक खोल दीजिए, तो इससे जो होगा सस्पेंशन जो है वो काफ़ी कंप्रेस होता रहेगा और आपको जर्क्स वगैरह में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। तो यार, सेकंड इसका हाईलाइट साइकिल का ये है यार कि इस साइकिल के हैं लुक्स। यार बेसिकली इस साइकिल का जो फ्रेम है, इस साइकिल का जो डिज़ाइन है यार, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने साइकिल के लुक्स को देख के एक ही बात बोली थी, भाई मज़ा आया। इस साइकिल को आप अपना बना सकते हो जस्ट 15,000 रुपये में। तो यार, नेक्स्ट साइकिल जो मेरी लिस्ट में है वो है अर्बन टेरेन 3001 मॉडल, जो कि आता है सेम 27.5 इंचेस के व्हील साइज के साथ। इस साइकिल में आपको जो फ्रेम मिलेगा वो मिलेगा अलॉय का, और
आपको फ्रंट में सस्पेंशन फोक देखने को मिलेगा, डुअल वॉल अलॉय रिम्स देखने को मिलेंगे, डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे। और यार इस साइकिल का प्राइस सुन के आप हैरान हो जाओगे कि इतने सारे फीचर्स लोडेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार MTB, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और इस साइकिल को आप अपना बना सकते हो जस्ट 12 से 13 हज़ार रुपये में। तो यार नेक्स्ट साइकिल जो मैंने अपनी लिस्ट में रखी है वो है वोल्टेक्स की टेरेन 27.5, अगेन 27.5 इंचेस के व्हील साइज के साथ आने वाली साइकिल, जो कि जिसका फ्रेम अलॉय से बना हुआ है। और ये साइकिल भी अगेन 7x3 के सेटअप शिमानो टर्नी के साथ आती है विद इजी फायर शिफ्टर्स। फ्रंट में आपको सस्पेंशन फोक देखने को मिलेगा, डुअल वॉल अलॉय रिम्स, डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स। वोल्टेक्स इज अ डिसेंट ब्रांड यार व्हेन इट कम्स टू MTB और अ फैट बाइक। मिड रेंज की MTBs और फैट बाइक के लिए वोल्टेक्स एक अच्छा ब्रांड है और हाल ही में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच। तो यार ये साइकिल मुझे लगा है कि अपनी लिस्ट में रखनी चाहिए। तो इस साइकिल को आप बना सकते हो जस्ट 15,000 रुपए में। तो यार नेक्स्ट लिस्ट में जो साइकिल आ रही है वो है हरक्यूलस ब्रांड की तरफ से, हरक्यूलस की टॉप गियर 29T। तो यार अब जो साइज मैंने डिक्लेयर किया वो है 29, यानी कि ये साइकिल 29er है। अगर आपकी हाइट 6 फीट अबव है या 6 फीट है तो 29er साइज आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो यार हरक्यूलस ब्रांड ऑफर करता है आपको एलॉय का फ्रेम, और आपको मिल जाएंगे इजी फायर शिफ्टर्स, और डिरेलियर आपको जो मिलेंगे 3x7, उसमें जो डिरेलियर होगा वो होगा इजी फायर, सॉरी क्या नाम है मेरा, माइक्रो शिफ्ट के साथ आती है साइकिल, शिमानो के साथ नहीं आती है। और फ्रंट में आपको सस्पेंशन फोक देखने को मिलेगा, डुअल वॉल अलॉय रिंग्स देखने को मिलेंगे, और डुअल मैकेनिकल डिस्क देखने को मिल जाएगा। और प्राइस यार इसका प्राइस बहुत ज़्यादा, मुझे प्राइस के सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी साइकिल लगी। अगर आपकी हाइट 6 या 6 से अबव है या आपकी 6 से नहीं भी अबव है तो भी यार आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकती है ये साइकिल। और इसका प्राइस है अराउंड 13 से 14 हज़ार रुपये में साइकिल को अपना बना सकते हो। तो यार नेक्स्ट साइकिल जो हमारी लिस्ट में है वो है हीरो की स्प्रिंट फ्लैश 29T। तो यार ये साइकिल बेसिकली आपको रोड पे देखने को मिली जाएगी हर एक तीसरे चौथे बंदे के पास। आपको शायद मॉडल पता होना बट ये साइकिल यार हीरो की काफ़ी ज़्यादा बिकती है क्योंकि इसका प्राइस सेगमेंट ही ऐसा है। तो यार ये साइकिल बेसिकली आती है 29 इंचेस के व्हील साइज के साथ, इसका फ्रेम बना हुआ है स्टील से, हाइट एंड स्टील से, डुअल वॉल अलॉय रिम्स, डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, और आपको इसमें 3x7 के शिमानो के टर्नी के गियर्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट में सस्पेंशन फोक। और ये साइकिल का प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये में इस साइकिल को अपना बना सकते हो। तो यार लास्ट या फिर नेक्स्ट साइकिल जो भी हमारी लिस्ट में रहने वाली है वो रहने वाली है फायरफॉक्स ब्रांड की तरफ से। फायरफॉक्स यार बहुत अच्छा ब्रांड है और अपनी खास तौर से अच्छी MTBs मैन्युफैक्चर करने के लिए फायरफॉक्स ब्रांड जाना जाता है। तो जो नेक्स्ट साइकिल जो लिस्ट में जो मॉडल है वो है फायरफॉक्स एक्सेस 29D। तो ये साइकिल आती है 29 इंचेस के फ्रेम के साथ, यानी सॉरी 29 इंचेस के व्हील साइज के साथ। ये साइकिल आपको आती है डुअल वॉल अलॉय रिम्स, डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, और फ्रंट में आपको सस्पेंशन फोक देखने को मिल जाएगा। इसका फ्रेम है अलॉय से बना हुआ, बट एक इसका ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो है कि ये साइकिल के गियर्स नहीं है, यानी कि ये साइकिल गियर्स के साथ नहीं आती है। आपको इसमें सिंगल स्पीड देखने को मिलेगा, यानी कि आपको डेली कम्यूट करना है, डेली आने जाने के लिए एक ऐसी साइकिल चाहिए जिसका मेंटेनेंस कम हो। गियर साइकिल का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको एक ऐसी साइकिल चाहिए डेली कम्यूट के लिए और एक अच्छी लुकिंग में चाहिए और अच्छी बिल्ड क्वालिटी या सब कुछ एक अच्छा चाहिए बट आपको गियर्स नहीं चाहिए तो आप इस साइकिल की तरफ जा सकते हो। इस साइकिल को आप अपना बना सकते हो जस्ट 15,000 रुपये में। तो यार एट दी एंड मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि यार अभी जो नॉर्मल जो लोग 10 से 15 हज़ार की साइकिल खरीद ले रहे हैं वो किसी भी ब्रांड की खरीद ले रहे हैं। अभी बहुत सारी ब्रांड चल रहे हैं, हाइड्रा हो गया, पता नहीं कौन कौन से फलाना डिमा का, पता नहीं अजीब अजीब से ब्रांड बना दिए लोगों ने, और लोगों को खामाखा नकली गियर पार्ट्स या नकली कंपोनेंट्स लगा के बेच रहे हैं और फिर उनकी साइकिल जो है ख़राब हो जाती है और फिर वो बाद में रोते रहते हैं कि यार ये गियर वाली साइकिल ख़राब होती है। तो यार हीरो और हरक्यूलस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ब्रांड्स हैं, तो इन ब्रांड्स को ज़रूर कंसिडर करना अगर आपका 10 से 15 हज़ार का बजट है। तो ये दोनों ही रिलायबल ब्रांड्स हो सकते हैं 15 हज़ार के बजट सेगमेंट के अंदर। तो यार यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और भी फेस वीडियोस बनाऊं या आपको ऐसे फेस वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यार कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपकी थोड़ी सी भी मदद हो गई हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आपके किसी दोस्त को MTB खरीदनी हो 10 से 15 हज़ार का उसका भी बजट है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और तब तक के लिए यार घर में सेफ रहो, मास्क पहनो। Take care, bye-bye, see you in the next video.